हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, क्या आपके भी प्ले स्टोर पर किसी भी एप्लीकेशन को अपडेट करते टाइम या इंस्टॉल करते टाइम समथिंग वेंट रॉन्ग, ट्राई अगेन, इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है? तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे, यानी कि प्ले स्टोर पर किसी भी ऐप को डाउनलोड करते समय या अपडेट करते समय इस तरीके का प्रॉब्लम आए तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, आज की इस वीडियो में हम आपको ए टू जेड जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट टाइम वेस्ट के। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए हम आपको दो बेस्ट ट्रिक बताएंगे जिसे आप अप्लाई करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम जान लेते हैं वो कौन सा ट्रिक है। सबसे पहले दोस्तों, आपको यहां से बैक हो जाना है और बैक होने के बाद दोस्तों आपको अपने सेटिंग ऐप को ओपन कर लेना है। सेटिंग ऐप को ओपन करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है और नीचे आने के बाद दोस्तों यहीं पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है ऐप मैनेजमेंट का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ऐप मैनेजमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको फर्स्ट नंबर पे ऐप लिस्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ऐप लिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों थोड़ी देर तक लोडिंग लेगा। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपके स्मार्टफोन में जितने भी एप्लीकेशन इंस्टॉल होंगे यानी कि डाउनलोड होंगे वो आपको यहां पर कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएंगे। तो यहां पर दोस्तों आपको अपने गूगल प्ले स्टोर को ढूंढ लेना है और ढूंढने के बाद दोस्तों उस पर आपको सिंपली एक बार क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहीं पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है फोर्स स्टॉप का, इस पर आपको क्लिक करना है। देन उसके बाद दोस्तों आपको फोर्स स्टॉप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन उसके बाद दोस्तों यहीं पर आपको एक और ऑप्शन देखने को मिल जाता है स्टोरेज यूजेज का, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको क्लियर कैचेस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहां से आपको थोड़ा सा बैक हो जाना है और बैक होने के बाद दोस्तों यहीं पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है परमिशंस का, इस पर आपको क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर आपका जो भी ऑप्शन अलाउ नहीं होगा उसे आपको इस तरीके से अलाउ कर लेना है। जैसा कि दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो कि सारा ऑप्शन मेरा अलाउ है यहां पर, तो दोस्तों आपको भी इसी तरीके से अलाउ कर लेना है। देन उसके बाद दोस्तों अब आपको बैक हो जाना है और बैक होने के बाद दोस्तों आपको चेक करना है कि प्ले स्टोर से ऐप अपडेट हो रहा है या नहीं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर इंस्टाग्राम को, जैसा कि मैं यहाँ पर देख सकते हो कि अभी भी वही प्रॉब्लम है, समथिंग वेंट रॉन्ग, ट्राई अगेन। तो दोस्तों अभी प्रॉब्लम ये सॉल्व नहीं हुआ। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बता देते हैं सेकेंड ट्रिक क्या है इसके ठीक करने के लिए। सेकेंड ट्रिक बहुत बेस्ट ट्रिक है दोस्तों, 100% प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। सेकेंड ट्रिक के लिए दोस्तों आपको फिर से अपने सेटिंग ऐप को ओपन करना है और सेटिंग ऐप को ओपन करने के बाद दोस्तों यहीं पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है सिम कार्ड एंड मोबाइल डाटा का, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहीं पर आपको स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहीं पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है डाटा यूजेज का, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। और इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको सेकंड नंबर पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है मोबाइल डाटा यूजेज, इस पर आपको क्लिक कर देना है। मोबाइल डाटा यूजेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों यहां पर आपको स्क्रॉल डाउन करके अपने गूगल प्ले स्टोर को ढूंढ लेना है और ढूंढने के बाद दोस्तों उस पर आपको सिंपली एक बार क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है डिसेबल मोबाइल डाटा, अगर दोस्तों आपका ऑफ होगा तो इसे ऑन कर देना है। और ऑन करने के बाद दोस्तों यहां से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब आपको अपने प्ले स्टोर को फिर से ओपन करना है और प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद दोस्तों यहां पर आप किसी भी एप्लीकेशन को अपडेट करोगे या डाउनलोड करोगे तो बहुत ही इजीली तरीके से डाउनलोड या अपडेट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं यहां पर कोई भी एक एप्लीकेशन डाउनलोड करता हूं, देखता हूं वो प्रॉब्लम आ रहा है या नहीं। तो दोस्तों यहां पर मान लीजिए मैं व्हाट्सएप बिजनेस को इस तरीके से इंस्टॉल कर रहा हूं, तो जैसा कि दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो कि व्हाट्सएप मेरा डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों इसी तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों ये रही जानकारी, अगर आपको जानकारी थोड़ा सा भी हेल्पफुल और अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अदरवाइज दोस्तों आपको प्ले स्टोर से रिलेटेड कोई अन्य प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उसका रिप्लाई आपको जरूर देंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।